मैं हूँ सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। श्रीपुर चौकी पुलिस ने तमंचा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय TBS PSJ। श्रीपुर से रवि पासवान के अनुसार, कुछ दिनों पहले जामुरिया थाने के श्रीपुर चौकी की पुलिस ने एक व्यक्ति को फिर से तमंचा के साथ गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले जामुरिया श्रीपुर चौकी क्षेत्र के वैजंतीपुर से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के पास तमंचा है। लगातार निगरानी के बाद शनिवार रात को यह स्पष्ट हो जाने पर कि वह एक बंदूक ले जा रहा है, आदमी को परिहारपुर इलाके में देखा गया। बाद में पीछा करने के लिए उसके पास से एक स्वचालित पिस्तौल और एक ताज़ा कारतूस मिला। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम श्रीपुर चौकी क्षेत्र के वैजंतीपुर निवास 30 वर्षीय शेख साहिदुल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस रविवार को आरोपी को आसनसोल जिला अदालत में पेश करेगी। बताया जाता है कि पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लेने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस बात की जांच करेगी कि उस तमंचा कहां से और कैसे मिला और वह इसे किस मकसद से ले जा रहा था। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वियर, मेन्स वियर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, GD रोड, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 03412221590। रेनबो बिग शॉप। दुर्गा पूजा के मद्देनजर स्टेशन पर RPF और GRP अलर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हिल व्यू हॉस्पिटल। आसनसोल स्टेशन से सीतारामपुर के अनुसार, दुर्गा पूजा के मद्देनजर आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त के अनुसार आसनसोल रेलवे स्टेशन में सतर्कता बढ़ा दी गई है। RPF और GRP मिलकर संयुक्त रूप से जांच अभियान चला रहे हैं। दोनों समन्वय के साथ यात्री सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। आसनसोल के पूरे स्टेशन परिषद और विभिन्न प्लेटफॉर्म तथा यहां से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल के जवान डॉग स्क्वायड लगाकर जांच अभियान चला रहे हैं। आसनसोल स्टेशन में अलर्ट जांच के लेकर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रियों के बैग, सूटकेस एवं दूसरी जगह से आए हुए पार्सल की सामान की जांच की जा रही है। उसके साथ साथ रेलवे लाइन के ट्रैक में भी उस डॉग के माध्यम से जांच की जा रही है। जांच के क्रम में कई RPF अधिकारी और महिला अधिकारी भी शामिल हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साथ ही पार्सल कार्यालय स्टेशन परिषद में भी जांच की जा रही है। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वियर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वियर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल। तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल्स के कलेक्शन। सपना
इसराइल्स अ हाउस ऑफ फैंसी रेंजवियर बस्तीन बाजार रोड आसनसोल कॉल 760-2923 जुआ अड्डा पर पुलिस का छापा चार गिरफ्तार 1 लाख से ज्यादा नकदी जब्त दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन श्रीपुर फाड़ी क्षेत्र माझीपाड़ा गोविंद नगर निवास अजय की पत्नी जो अपने आप को इलाके की नेत्री बताती है उसके घर पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे जुए अड्डे पर चलाया अभियान। इस अभियान ने श्रीपुर फाड़ी प्रभावी से रियाजुद्दीन पुलिस दल बल के साथ पहुंचे जहां पर अवैध रूप से चल रहा था जुआ। उस जगह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसके घर के मालिक का नाम अजय है। पुलिस ने बताया कि जुए अड्डे से 1 लाख से ज़्यादा नकदी भी जब्त की गई है। इस जगह में कई दिनों से गोरख धंधा चल रहा था। काफ़ी दिनों से स्थानीय लोगों ने इस जुए के साथ इलाके में अवैध शराब की प्रतिवाद किया था लेकिन कुछ नौजवानों ने मिलीभगत से यह कार्य चला रहा था इसलिए लोगों ने बार बार इसका विरोध किया लेकिन फिर भी धड़ल्ले से यह कार्य चल रहा था। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. मछली लदा वैन हाईजैक चंद घंटों में पुलिस ने किया बरामद। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। जामुड़िया से महेश मंगोटिया के अनुसार मछली लदा पिकअप वैन हाईजैक होने के बाद जामुड़िया थाने की पुलिस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के चंद घंटों के अंदर ही बरामद कर ली। कल शाम रोहू और कतला मछली से लदी एक पिकअप वैन पूर्वी मेदिनीपुर से पटना जा रही थी उसी समय 2 युवकों ने मछली से लदे वैन को हाईजैक कर लिया। बाद में झारखंड सीमा से सटे एक इलाके में चेक पोस्ट के पास झारखंड में मछलियों को उतार दिया गया। उसके बाद मछली के साथ आए मछुआरों को वहीं से छोड़ दिया गया लेकिन बदमाश पिकअप वैन लेकर भाग गए। बाद में शनिवार दोपहर बाद जब मछुआरों ने अपहरण की शिकायत जामुड़िया थाने के श्रीपुर चौकी में शिकायत के रूप में की तो पुलिस ने तत्काल घटना की जांच शुरू कर दी। कल शाम श्रीपुर चौकी आईसी शेख रिजाउद्दीन और पुलिस की एक विशेष टीम ने झारखंड सीमा के चिरकुंडा इलाके से कार बरामद की। साथ ही पुलिस ने अपहरण की इस घटना में शामिल विपुल कुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को रविवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया जाएगा। पता चला है कि युवक के साथ अपहरण की इस घटना में एक और व्यक्ति शामिल है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर रिटेलर सलवार सूट पीस लहंगा और घाघरा के लिए बस्तीन बाजार आसनसोल 1 कॉन्टेक्ट नंबर 8509608588। जामुड़िया थाने की ओर से 80 पूजा समितियों को दिए चेक।
जामुरिया जामुरिया थाने की ओर से दुर्गा पूजा समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस दिन जामुरिया थाना अंतर्गत 80 पूजा समितियों को 60,000 मोबाइल फ़ोन दिए गए और कुछ दिन पहले खो गए 53 मोबाइल फ़ोन मालिकों को दिए गए। आईपीएस डॉक्टर एसएस कुलदीप, एसीपी सेंट्रल दो श्रमंत बनर्जी, एसीपी ट्रैफिक प्रदीप मंडल, सीआई सुशांत चटर्जी, जामुरिया थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, फायर ब्रिगेड प्रभारी सुशांत चटर्जी, एमआईसी सुब्रतो अधिकारी जामुरिया, पंचायत समिति की अध्यक्ष रेणुका बावरी, सभी वार्ड पार्षद और सभी प्रभारी उपस्थित थे। इन अवसर पर आईपीएस डॉक्टर एसएस कुलदीप ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल सरकार सभी पूजा समितियों को 60,000 चेक दे रही है। वहीं चेक दिया गया है जामुरिया थाना क्षेत्र की 80 पूजा समितियों को। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। बंगाल सृष्टि और राउंड टेबल इंडिया ने 15 दिव्यांगों को व्हीलचेयर और बैसाखी प्रदान की। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार उड़ीसा क्लब सृष्टि नगर आसनसोल में आज बंगाल सृष्टि और राउंड टेबल इंडिया के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन दोनों संगठनों को सीएसआर गतिविधियों के तहत राउंड टेबल इंडिया दिव्यांग नाबक एक परियोजना के तहत 15 दिव्यांगों को व्हीलचेयर और बैसाखी प्रदान की गई। लेकिन इसके राउंड टेबल इंडिया के नितिन खेमानी ने कहा कि उनका संगठन मुख्य रूप से स्कूलों में क्लासरूम बनाने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा वह इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम भी चला रहे हैं ताकि समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को फायदा हो सके। कार्यक्रम में बंगाल सृष्टि के ऑपरेशन हेड विनय चौधरी, राउंड टेबल इंडिया के आनंद अग्रवाल, नितेश रुंगटा, सुनील सेन, विजय अग्रवाल, मोहन शर्मा और सभी सदस्य मौजूद थे। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सीटू से संबंध, कोलेरी मौजूद सभा ऑफ इंडिया द्वारा को वेतन समझौता, ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी अनुमोदित वेतन सहित अन्य कई मांगों को लेकर सूदपुर एरिया कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया एवं प्रबंध को मांगों को लेकर सौंपा। चीनाकुड़ी 24 इंतब पर सीटू से संबंधित कोलियरी मौजूद सभा ऑफ इंडिया द्वारा को वेतन समझौता, ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी अनुमोदित वेतन सहित अन्य कई मार्गों को लेकर सोदपुर एरिया कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और प्रबंधन को मांगों को लेकर सौंपा गया। दौरान अपने संबंधों में सीटू नेता सुजीत भट्टाचार्य ने प्रबंधक पार्क श्रमिकों के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग खतरे में है, कहा कि कोल इंडिया 160 खदानों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है, कोयला मजदूरों को एक होकर लड़ाई करने की अपील की, अन्यथा कोल इंडिया का अस्तित्व मिट जाएगा। इस दौरान उन्होंने ठेका मजदूरों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की, कहा उन्हें हाई पावर कमेटी अनुमोदित वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने हाई पावर कमेटी अनुमोदित वेतन सहित और भी
कई मांगे देने पर बल दिया। दूसरी तरफ जोरदार शब्दों में कहा कि बिना लड़ाई के कोल इंडिया के किसी भी अनुषंगी इकाई में आज तक कोई भी मांग नहीं मिली है। वेतन समझौता तो बिना लड़ाई के संभव ही नहीं हो पाया है, कहा। दसवां वेतन समझौता समाप्त हुआ, लगभग 1.5 वर्ष बीतने को है, पर 11वां वेतन समझौता लागू नहीं हो सका। जबकि वेतन समझौता को लेकर अब तक 6 बैठकें हो चुकी है, लेकिन परिणाम शून्य रहा है। 3% MGB देने के आगे नहीं बढ़ा रहा। प्रबंधक 6ठी बैठक में 10% पर आया है, जबकि ट्रेन यूनियनों में भी 50% MGB की मांग घटाकर 30% MGB पर उतरे आए हैं। मौके पर सुदर्शन प्रसाद, रामकेश गोप, निशित चटराज, रोबिन लायक, कानन बिहारी नियोगी, कौशिक हल्दर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। असनसोल मंडल में स्वच्छ परिसर दिवस का पालन किया गया। असनसोल स्वच्छता पखवाड़ा एक पखवाड़े तक चलने वाला कार्यक्रम 16/9/2022 को शुरू किया गया है, जो 30/9/2022 तक जारी रहेगी। असनसोल मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से आज 24/9/2022 स्वच्छता पखवाड़ा के एक भाग स्वच्छ परिसर दिवस के दूसरे दिन का आयोजन किया गया। जसीडी, कुल्टी, दुर्गापुर, रानीगंज, सीतारामपुर, मधुपुर, अंडाल मंडल, रेलवे अस्पताल कॉलोनी, ट्रैफिक स्वास्थ्य यूनिटी असनसोल, ट्रैफिक कॉलोनी असनसोल के रेलवे कॉलोनियों की गहन सफाई और कचरा निपटान किया गया। असनसोल, जसीडी, दुर्गापुर, मधुपुर, चितरंजन, अंडाल एवं कुमारधुबी के रनिंग रूम, रिटायरिंग रूम, वीआईपी कक्ष, वीआईपी लॉज, अधिकारी विश्राम गृह, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय की गहन सफाई की गई। सौंदर्यीकरण के लिए लोको कॉलोनी असनसोल, अस्पताल कॉलोनी असनसोल, पानागढ़ स्वच्छ यूनिटी के रेल परिसरों में वृक्षारोपण तथा उद्यानों व प्रांगण का रख रखाव एवं पेड़ों की छटाई की गई है। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर 4 है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SBKY रोड में। गुस्साए स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे को जाम कर दिया। अंकिता भंडारी की मौत के मामले पर गुस्सा उस समय फैल गया जब स्थानीय लोगों ने रविवार को बेस अस्पताल के सामने बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया, जहां अंकिता के अवशेष रखे गए हैं। प्रशासन की टीम ने बैरिकेडिंग के कारण लगे जाम को हटाने का प्रयास किया। लोगों ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। रविवार को स्थानीय बाजार बंद था, क्योंकि लोगों ने अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार से पहले एकजुटता दिखाई। श्रीनगर के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे।
गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को ऋषिकेश के वनतारा रिसॉर्ट में भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी हैं, के स्वामित्व वाले रिसॉर्ट को शनिवार को स्थापित किया गया था। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने की आग। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टेक्ट एडिटर 9563830। यूपी में कक्षा 10 के छात्र ने शिक्षक को 3 बार गोली मारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक स्कूली छात्रा ने आज अपने शिक्षक को देसी पिस्तौल से गोली मार दी। कक्षा 10 का लड़का कथित तौर पर शिक्षक से परेशान था, क्योंकि उसने एक अन्य छात्र के साथ विवाद के बाद उसे डांटा था। आरोपी छात्रा ने शिक्षिका पर 3 राउंड फायरिंग की और बंदूक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव दीक्षित ने कहा कि गोली गंभीर अंगों से बाहर निकल गई और शिक्षक घायल होने के बावजूद फिलहाल खतरे से बाहर है। शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। SMS ऑफ द मोमेंट। आप अपने बारे में लोगों को कैसे बदलते हैं, इसलिए कोशिश ना करें कि आप अपना जीवन जिए और खुश रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।